रात के समय आकाश का नजारा और उस वक्त होने वाली खगोलीय घटनाएं आश्चर्यजनक और सम्मोहक होती है। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हमने विशाल महासागरों में दिशा ज्ञान, फसलों को उगाने का समय जानने और कुछ ऐसे सवालों के जवाब जैसे कि हम कहां से आए और यहां कैसे पहुंचे। हमारी इन्हीं जिज्ञासाओं ने मानव जाति के लिए खगोल विज्ञान की शुरुआत की। ये विज्ञान ही है जो कुछ सबसे बड़े रहस्यों को हल करता है, जैसे कि सितारों का जन्म कैसे हुआ, ग्रह गति कैसे करते हैं, आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं, और ये ब्रह्मांड कब और कहां से शुरू हुआ। भारत में भी दुनिया की कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों की तरह खगोल विज्ञान की एक समृद्ध विरासत है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कर ऐसे ही कुछ प्राचीन गणितज्ञ हैं जिन्होंने सदियों पहले खगोल शास्त्र का अनुसरण किया और कई महान ग्रंथ लिखे। खगोल शास्त्र की वो शाखा जिसमें टेलीस्कोप और अन्य खगोलीय उपकरणों के उपयोग से खगोलीय पिंडों के अवलोकन से आंकड़े मिलते हैं, उसे ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। दिस इज एक्चुअली ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी दोनों ही भौतिकी की एक शाखा है जिसमें भौतिकी में प्रयोग की विभिन्न शाखाओं को सत्यापित किया जा सकता है। ऐसा स्थलीय वातावरण में नहीं हो सकता, इसलिए अगर हम कुछ ऐसा सत्यापित करना चाहते हैं तो खगोलीय विज्ञान में एक प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है। इसलिए यह भौतिकी का संदर्भ है, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का सत्यापन। लेकिन यह भी कि आप जानते हैं कि रात को आकाश हमें आकर्षित करता है और हमारे मन में ये जिज्ञासा हो जाती है कि हम कैसे पैदा हुए, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। ये स्वाभाविक प्रश्न है जो हम सभी के मन में उठते हैं। इसलिए आकाश में खगोलीय पिंडों के अवलोकन के माध्यम से हम इनमें से कुछ सवालों के जवाब पा सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता को साबित किया है। ऐसी ही क्षमता रखने वाला एक संगठन है जो लंबे समय से अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है, वो है एडीज यानी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। देश का एक प्रमुख शोध संस्थान होने के नाते एरीज अवलोकन, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञ है। संस्थान की विरासत 6 दशक से भी अधिक समय से चली आ रही है। ये संस्थान 1954 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक राज्य वेधशाला के रूप में स्थापित हुआ और इसे स्थापित करने की पहल की थी उस समय के शिक्षा मंत्री और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद और प्रोफेसर एएन सिंह ने, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे। 1955 में इसे पहाड़ों में साफ आकाश देखने के लिए नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया। ये भारत में 4 मीटर क्लास ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना के लिए वेधशाला के तत्कालीन निदेशक और ऑप्टिकल खगोल विज्ञान में सम्मानित खगोलविद वीनू बापू का सपना था। राज्य की यह वेधशाला मामूली सुविधाओं के साथ शुरू हुई थी। 1972 में मनोरा पीक पर 1 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित हुआ था, तब इसका भी विकास होने लगा। 2004 में एरीज भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान और वित्त पोषण के अंतर्गत आया। The major advantage is that whatever... एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि एरीज के लक्ष्य और क्षमताएं राज्य सरकार के तहत पूरे नहीं हो सकते थे। भारत सरकार ने इसकी क्षमताओं को पहचाना और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इस प्रमुख सुविधा की कार्यक्षमता 3.6 मीटर है। ये देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है और विश्व में दूसरे स्थानों पर स्थित विशालकाय टेलीस्कोप के समकक्ष है। Elsewhere in the globe, खगोल विज्ञान की लगभग सभी आधुनिक वेधशालाओं का प्रमुख उपकरण टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप प्रकाश को इकट्ठा करने और इमेज को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करते हैं, ताकि गैलेक्सी की छोटी और काफी धुंधले पिंडों को भी आसानी से देखा जा सके। एरीज में 4 उपकरण हैं, 2 इमेजर हैं और 2 स्पेक्ट्रोग्राफ हैं। ये उपकरण ऑप्टिकल से लेकर इंफ्रारेड वेवलेंथ तक कवर करते हैं। इस प्रकार हम एक साथ ऑप्टिकल इंफ्रारेड इमेजिंग के साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, द लाइट एक्चुअली कम्स फ्रॉम फार फार अवे। प्रकाश काफी दूर से आता है, इसलिए बहुत धुंधला हो जाता है। जब आप इसकी तुलना अपने आसपास दिखने वाले किसी भी स्थलीय प्रकाश से करते हैं, जैसे कि लैंप या हेडलाइट,
इस प्रकाश में प्रति सेकंड सिर्फ कुछ ही फोटॉन होते हैं और इसलिए इसे फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफिंग कैमरा कहा जाता है। जो प्रकाश बहुत दूर आकाशीय पिंडों से आ रहे हैं उसके हर रंग का विश्लेषण करने की जरूरत है, इसलिए हमें कुछ रंगों के बजाय हजारों रंगों को देखने की जरूरत है। इन पिंडों की रोशनी में हजारों रंगों की संरचनाओं को जानने के लिए वहां का तापमान क्या है, वो कैसे बनते हैं, वो कितने पुराने हैं और वो कैसे विकसित हो रहे हैं, ये जानने के लिए उनका विश्लेषण करना जरूरी है। अधिकांश वेधशालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद अवशोषण और दृश्य बाधिता को कम करने तथा अवलोकनों की सटीकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न अपर्चर वाले टेलीस्कोप से अवलोकन करती है। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ऐसी समस्याएं नहीं आती, इसलिए एरीज भी ऐसे ही अनुकूल स्थान पर स्थापित की गई है। सौभाग्य से मनोरा पीक एक ऐसा स्थान है जिसकी ऊंचाई 2 किलोमीटर है और यहाँ से आप उस परत को देख सकते हैं जहाँ से वायुमंडल में बदलाव होता है। इसलिए एरोसोल और गैसों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण अवलोकन में जिसकी जरूरत होती है वो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमारे लिए ये अवलोकन का काम बहुत महत्वपूर्ण हो गया और जो आज एरिस के प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में ज्यादा मदद कर सकें। और यही कारण था कि एरिस में वायुमंडलीय विज्ञान शुरू किया गया। एरिस में वायुमंडलीय विज्ञान प्रभाग वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान करता है। यहाँ अनुसंधान मुख्य रूप से वायुमंडल के निचले हिस्से पर केंद्रित है। ये प्रभाग गैसों की खोजबीन के अवलोकन में माहिर है, जिसमें ओजोन और ग्रीनहाउस गैसों, एरोसोल और मौसम विज्ञान आदि शामिल है। एरोसोल और अन्य गैसों के भौतिक और ऑप्टिकल गुणों के अवलोकन के लिए अलग अलग साधन है। लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाओं की गति मापने के लिए एरीज एसटी रडार यानी एरीज स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार को भी यहां स्थापित किया जा रहा है। जहां अभी हम खड़े हैं ये एसटी रडार है। ये वायुमंडलीय विज्ञान की प्रमुख सुविधा है। ये नीचे स्ट्रेटोस्फीयर तक 3D हवाई क्षेत्र को मापने में सक्षम है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार है। ये सुविधा इस मायने में अनूठी है कि ये इमारत के ऊपर स्थित है और 206.5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति का काम कर रही है। ऐसी कोशिश दुनिया में कहीं नहीं की गई। वर्ल्ड वाइड एनीवेयर एरीज का उद्देश्य देश में बेहतरीन स्तर के अनुसंधान का माहौल बनाने, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और जलवायु परिवर्तन तथा वायुमंडलीय विज्ञान सहित प्रमुख अनुसंधानों को बढ़ावा देना और मार्गदर्शन करना है। खगोल विज्ञान और तारा भौतिकी प्रभाग का मुख्य जोर सौर, ग्रहों, तारकीय, गैलेक्टिक और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक खगोल विज्ञान, जिनमें एक्सरे बाइनरी, स्टार क्लस्टर, निकटवर्ती आकाशगंगा, क्वेजार और अंतर्निहित रूप से सुपरनोवा और काफी ज्यादा ऊर्जा वाली गामा रे विस्फोटक किरणें शामिल है। इनका अध्ययन करने के लिए एरीज के वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप पर लगाने के लिए चार्ज कपल डिवाइस या CCD इमेजर और फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफिक कैमरा और FOSC तैयार किया है, जो हमें बहुत अधिक स्पष्ट इमेज उपलब्ध कराते हैं। ये पहला FOSC है जिसे एरीज में ही डिजाइन और असेंबल किया गया है। 4K CCD इमेजर 4K CD इमेजर एक इमेजिंग डिवाइस है जिसे 3.6 मीटर वाले फोकल प्लेन पर लगाया जाएगा। ये यही विकसित किया हुआ उपकरण है जो ब्रॉडबैंड इमेजिंग करेगा। As we know that India has a longitudinal advantage. जैसे कि हम जानते हैं भारत में इस जगह पर अनुदैर्ध्य लाभ मौजूद हैं, इसलिए यहाँ 3.6 मीटर की ये सुविधा स्थापित की गई है। हमारा मानना है कि ये उपकरण गामा रे विस्फोट के बाद होने वाले अध्ययनों, सुपरनोवा और कई अन्य नए आगामी ट्रांजिस्टर्स जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंगों और इसी प्रकार के अन्य अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। एरीज में दो प्रकार की अवलोकन सुविधाएं उपलब्ध है, जो कि सौर्य और तारकीय अवलोकन है। सौर्य अवलोकनों के लिए एरीज मनोरा पीक पर 15 सेंटीमीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप संचालित करता है। सौर विस्फोट की नियमित घटनाओं जैसे सौर फ्लेयर्स, फिलामेंट्स और सर्ज आदि का नियमित रूप से वैज्ञानिकों द्वारा अवलोकन किया जाता है।
इसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करने के लिए एक विशेष फिल्टर लगा है। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड या NIR बैंड में तारकीय अवलोकन के लिए एरीज मनोरा पीक पर 1 मीटर संपूर्ण अनंत दूरबीन संचालित करता है। इस सुविधा का उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के 200 से अधिक खगोलविदों ने किया है और यहां से 40 से अधिक छात्रों ने PhD भी की है। 2010 में एरीज के वैज्ञानिकों ने मनोरा पीक से 60 किलोमीटर दूर जिस जगह पर जाने का फैसला किया वो था देवस्थल। यहां एरीज ने अपना पहला 1.3 मीटर मॉडर्न ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित और परिचालित किया। इस टेलीस्कोप के परिणामों ने पुष्टि की कि देवस्थल की नई साइट भविष्य में अत्यधिक उन्नत टेलीस्कोप को स्थापित करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। देवस्थल साइट वाज कैरेक्टराइज्ड। देवस्थल साइट को 1996 से 2001 के दौरान आधुनिक साधन का उपयोग करने के लिए चुना गया था। 3.6 मीटर वाली इस सुविधा के लिए यहाँ ढांचागत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी और सड़क नहीं थी, इसलिए उनका निर्माण और विकास करना जरूरी था। हमने भारत सरकार के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जिसे योजना आयोग, वित्त विभाग, शासन और भारत के खगोलीय समुदाय से मंजूरी मिली। इन सभी अनुमोदनों के मिलने पर हमने टेलीस्कोप मंगवाया जिसका ऑर्डर 29 मार्च 2007 को एक एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम AMOS नामक बेल्जियम की कंपनी को दिया गया था, जिसमें परियोजना प्रबंधन बोर्ड की देखरेख में देश भर के विशेषज्ञों की सहमति शामिल थी। फर्स्ट लाइट वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेयर यू नो कैरिड आउट इन द प्रीमिसेस ऑफ द एमास इन बेल्जियम। इस प्रकार देवस्थल पर 10 साल की कोशिशों के बाद 2015 के मध्य में भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप या डॉट टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसमें भारत में बनने वाला सबसे बड़ा वैक्यूम चैम्बर और घूमने वाला डोम है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और बेल्जियम के विज्ञान विभाग BELSPO के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में 3.6 मीटर डॉट टेलीस्कोप को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री श्री चार्ल्स मिशेल द्वारा संयुक्त रूप से 30 मार्च 2016 को सक्रिय किया गया था। This is a pretty large size. ये बहुत बड़े आकार का ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और इस तरह के टेलीस्कोप प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर इन सीटू में संरेखित करने के लिए एक्टिव ऑब्जेक्ट्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। मेरा मतलब है कि जब टेलीस्कोप एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आता है तो ये एकदम स्पष्ट इमेज पाने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर को ऑनलाइन संरेखित कर सकता है। इसमें अधिक स्पष्ट सब आर्क सेकेंड इमेज प्राप्त करने की क्षमता है जिसकी वजह से हम गहरे आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने में सक्षम हैं। वे वस्तुएं जो बहुत धुंधली हैं और ब्रह्मांड में बहुत दूर हैं, जैसे कि बहुत ही धुंधली आकाश गंगाएं और तेजी से भागते क्विजार, और उन वस्तुओं के उपयोग से हम ये जांचने में सक्षम होंगे कि हमारी आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ है। इसके अलावा बेल्जियम और कनाडा के साथ वैज्ञानिक सहयोग में एक 4 मीटर अपर्चर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल पर जल्द ही संचालित होने की उम्मीद है। ILMT रात में रोजाना आकाश को स्कैन करेगा और महत्वपूर्ण अवलोकन देगा। मेरे पीछे जो सुविधा है वह एक 4 मीटर क्लास इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ये मुख्य रूप से भारत, कनाडा और बेल्जियम के बीच एक सहयोग है। ये ऐसा टेलीस्कोप है जो भारत में स्थापित किया गया है और इसे सर्वेक्षण टेलीस्कोप के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, प्राइमरी मिरर तरल पारे से ये बना है। जब पारे को कटोरे नुमा पात्र में डाला जाता है तो रोटेशन के कारण 4 मीटर के प्रभावी व्यास वाला एक दर्पण बनेगा। इसलिए यह किसी पारंपरिक टेलीस्कोप से अलग है और इस तरह के टेलीस्कोप की लागत पारंपरिक टेलीस्कोप की तुलना में बहुत कम होती है। इस तरह के टेलीस्कोप का मुख्य आकर्षण ब्रह्मांड में नई चीजों की खोज करना है। हम इस साल के अंत तक इससे पहले प्रकाश की उम्मीद कर रहे हैं।
ऑप्टिकल अवलोकन की शुरुआत से ही एरीज लगातार खगोलीय अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान दे रहा है, विशेषकर महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं के समय अवलोकन करके। उदाहरण के लिए, देश में गामा रे विस्फोट के ऑप्टिकल आफ्टरग्लो का निरीक्षण करने का पहला सफल प्रयास एरीज में किया गया। बड़ी तादाद में होने वाले अवलोकन, जिनमें ग्रहण वाली बाइनरी, विभिन्न तारे, स्टार क्लस्टर, नजदीकी आकाश गंगाएं, गामा रे विस्फोट और सुपरनोवा का अवलोकन एरीज में उपलब्ध उन्नत तकनीक के कारण संभव हो सका है। अतीत में इस वेधशाला से सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के आसपास की नई रिंग प्रणालियां भी खोजी गई थी। एरीज का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिजाइन, विकास और इंस्ट्रूमेंट्स के रखरखाव एवं अपग्रेडेशन सुनिश्चित करता है। साथ ही ये समूचे एरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग प्रदान करता है। 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके अंदर कई एडवांस्ड मिरर कंट्रोल टेक्निक्स और मोशन कंट्रोल टेक्निक्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें कई अत्याधुनिक उपकरण जैसे इमेजर और स्पेक्ट्रोग्राफ विज्ञान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाए गए हैं। इन सभी उपकरणों का रखरखाव इंजीनियरिंग विभाग पर काफी प्रेशर बनाता है, जिसमें मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और कई बैकएंड उपकरणों का विकास शामिल है। इसमें न सिर्फ खास इंजीनियरिंग ग्रुप्स अथवा इंजीनियरिंग एफर्ट्स का मेल भी शामिल है। तो एरीज में मुख्यतः चार इंजीनियरिंग सेक्शंस हैं, जैसे ऑप्टिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर ग्रुप्स। इसके अलावा हमने ऐसे खास उपकरणों के लिए स्पेशलाइजेशन भी की है। हम साथ मिलकर यहाँ एक टीम की तरह काम करते हैं, जिससे हम जरूरी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध करा सके। शैक्षिक स्तर पर एरीज कुशल मानव संसाधन विकसित करने के लिए छात्रों को पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा बीएससी और एमएससी स्तर के छात्रों को संस्थान में किए गए अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों से अवगत कराने के लिए समर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप भी कराई जाती है। एरीज में अलग अलग अपर्चर वाले टेलीस्कोप हैं, कुछ 5 मीटर वाले टेलीस्कोप हैं। आपने 4 मीटर क्लास टेलीस्कोप के बारे में भी सुना होगा। ये मूल रूप से अपर्चर के आकार प्राइमरी मिरर के आकार के होते हैं। अपर्चर से प्रकाश इकट्ठा करने की शक्ति को बढ़ाया जाता है। इससे बहुत ही धुंधले पिंडों का पता लगाया जा सकता है, जो कि बहुत उच्च क्रम में होती है। डिटेक्ट वेरी फेंट सोर्सेस एज यू गो विद द हाई ऑर्डर। एरीज में एक पूरी तरह ऑटोमेटेड विशाल पुस्तकालय है, जिसे नॉलेज रिसोर्स सेंटर कहा जाता है। इसमें शोध पत्रिकाओं के 10,000 खंड है, जिनमें खगोल विज्ञान, तारा भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का उत्कृष्ट संग्रह है। ज्ञान संसाधन केंद्र मूल रूप से पुस्तकों और विभिन्न शोध पत्रिकाओं का एक संग्रह है, इसलिए छात्र और शोधकर्ता इन पत्रिकाओं का उपयोग उस साहित्य के लिए करते हैं जिस पर पहले से ही अनुसंधान किया जा चुका है। इससे वो इसी के अनुसार अपनी शोध परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं। तो ये KRC उत्तराखंड राज्य में सबसे पुराना है, और आप कह सकते हैं कि ये खगोल विज्ञान, तारा भौतिकी, पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए देश में सबसे अच्छा संग्रह है। एरीज के वैज्ञानिकों ने हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नलों में 900 शोध पत्र एवं विभिन्न सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के अलावा 60 पीएचडी डिग्रीज भी दी हैं। एरीज के वैज्ञानिक आम जनता के साथ साथ देश भर में विभिन्न स्कूल के छात्रों के बीच खगोल विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान से संबंधित विज्ञान के लोकप्रियकरण में भी सक्रिय रूप से शामिल है। समय समय पर सार्वजनिक पहुंच वाले कार्यक्रम में संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वेधशाला रात में आकाश दर्शन के लिए सार्वजनिक रूप से खुला है। दर्शनार्थी स्लाइड शो में शामिल होकर आकाशीय पिंडों का वर्णन करने वाली गैलरी भी देख सकते हैं। DST सचिव प्रोफेसर आशुतोष सिंह, थाईलैंड की महारानी सहित अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां भी इस सुविधा का दौरा कर चुकी हैं। एरीज विज्ञान केंद्र की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है और खगोल विज्ञान तथा वायुमंडलीय विज्ञान में करियर बनाने के लिए युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करता है। एरीज का विज्ञान केंद्र आमजन की सार्वजनिक गतिविधियों के लिए समर्पित है, और नैनीताल एक पर्यटन स्थल है, इसलिए यहाँ पर्यटकों, सामान्य छात्रों, आम जनता और बहुत सारे लोगों का तांता लगा रहता है। एरीज एक सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है।
हम इस संस्थान को एक बहुत बड़ी गतिविधि और सामाजिक वैज्ञानिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। हम खगोल विज्ञान, तारा भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और सामान्य रूप से संस्थान और विज्ञान से संबंधित गतिविधियों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं। भविष्य में एरीज का उद्देश्य अपनी सभी सुविधाओं और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मूलभूत सुविधाओं व अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच एक मजबूत तालमेल स्थापित करना है, जिसका मकसद खगोल भौतिकीय नजरिए से खगोलीय घटनाओं की जांच करना है। ये संस्थान देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं और अवलोकन वेधशालाओं, विज्ञान में आधुनिक विज्ञान के लिए उपकरणों के निर्माण, ऑप्टिकल फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता वाले भारतीय मध्यम तथा लघु उद्योगों के साथ सहयोग के लिए भी तत्पर है। एरीज में मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वर्तमान समय में बहुआयामी अवलोकन करना बेहद जरूरी है। इसलिए मतलब है कि आपको अंतरिक्ष आधारित सुविधाओं के साथ जमीनी सुविधाओं को भी जोड़ना होगा, और आज इसरो खगोलीय मिशन से विज्ञान के संदर्भ में एक शानदार काम कर रहा है। इसलिए एस्ट्रोसेट मिशन उपलब्ध है, जिसमें एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट से देखने के लिए कई तरह के पेलोड हैं। आगे का मिशन सोलर फैसिलिटी है, जिसे आदित्य मिशन कहा जाता है। हमारा इरादा इसरो के साथ मिलकर काम करना है, ताकि फिर से अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म और जमीनी प्लेटफॉर्म के बीच तालमेल बन सके। बिटवीन द स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। एरीज लगातार अपनी मौजूदा सुविधाओं के रखरखाव तथा उन्हें आधुनिक बनाने में जुटा है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर खगोल विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहा है। समर्पित वैज्ञानिकों की एक टीम, निरंतर आकार लेती अनुसंधान सुविधाएं और महत्वपूर्ण अवलोकनों के साथ आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने खुद को खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान संगठन के रूप में स्थापित किया है, जो आज बाहरी अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की एक निरंतर यात्रा पर है।